नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। बैंकों के गंदे कर्ज की समस्या से जूझ रही केंद्र सरकार के सामने अब टैक्स चोरी को लगाम लगाने की कड़ी चुनौती है। हाल ही में जारी अंतरिम बजट दस्तावेजों के मुताबिक केंद्र सरकार लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का टैक्स वसूलने में विफल रही है। इसमें सर्वाधिक टैक्स चोरी का मामला जहां कॉर्पोरेशन टैक्स में है, वहीं दूसरे नंबर पर व्यक्तिगत टैक्स है। अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स और इस जैसे दूसरे ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के कामकाज को सरकार नियंत्रित नहीं करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इससे जुड़ी गैर सरकारी संस्था जस्टिस फॉर राइट्स फाउंडेशन की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल इस याचिका में ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के कामकाज को नियंत्रित करने के लिए सरकार की ओर से दिशा निर्देश तैयार करने की मांग की जा रही थी। सेंसस की शीर्ष 10 कंपनियों में से 8 का बाजार पूंजीकरण बीते सप्ताह 53,741 करोड़ रुपए बढ़ गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज और टीसीएस का बाजार पूंजीकरण सर्वाधिक बढ़ा है। शीर्ष 10 कंपनियों में से सिर्फ आईटीसी और एचडीएफसी का बाजार पूंजीकरण ही बीते सप्ताह कम हुआ। भारतीय स्टेट बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने करीब 5,740 करोड़ रुपए की बकाया राशि वसूलने के लिए विभिन्न संकटग्रस्त खातों को बिक्री के लिए रखा है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने 4,975 करोड़ रुपए की वसूली के लिए संपत्ति पुनर्गठन कंपनियों और वित्तीय संस्थानों से बोली आमंत्रित की है। वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे पीयूष गोयल ने एनपीए का हिसाब लगाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 90 दिनों तक कर्ज की किश्त नहीं चुकाने पर उसे एनपीए घोषित करने का तरीका ठीक नहीं है। बजट 2019 के बाद इंडस्ट्री के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक पावर प्रोड्यूसर कंपनी है जिसे डिस्कॉम की तरफ से पे नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से वह बैंकों से लिए लोन को चुकाने में असफल हो जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में तैयार बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार। Genavan Sales, Crompton Greaves ke geezer, pankhe and lighting luminaries, heavy duty exhaust fans and cooler fans ki sampurna range, El Monarch ke fans, pedestal fans, exhaust fans and air curtain ki vistrit range. Genavan Sales, near Bharat Talkies, first floor Hamidia Road, Bhopal.